क्षेत्र के आनंदपुर बस्ती निवासी विजय एक्का की 12 वर्षीय बेटी फूलमनी एक्का शुक्रवार शाम 3 बजे जामुन के पेड़ से लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। किशोरी फूलमनी के कमर में गंभीर चोट आई है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजमोहन खलको ने बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, जिसके बाद परिजनों ने फूलमनी को 108 एम्बुलेंस की मदद से शाम 4 बजे गुमला सदर अस्पताल ले आए। परिजनों ने बताया कि फूलमनी अपने दोस्तों के साथ जंगल गई हुई थी, जहां फूलमनी पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रही थी। किसी दौरान पेड़ की डाल टूट गई और फूलमनी पीठ के बल लगभग 20 फीट ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों ने घायल फूलमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती कराया, जहां फूलमनी के गंभीर हालत को देखते हुए गुमला रेफर कर दिया गया। चैनपुर से स्वदेशवाणी के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। स्वदेश वाणी।